Hi, good afternoon everybody. This is Beant from eSoft IELTS Camps, and once again I welcome to all of you in my YouTube channel eSoft IELTS Camps. We have already discussed the introductions of non-opinion based essay. The essay was problem and solutions. As I have mentioned that we have done already the introduction of this. The questions was over there, despite a large number of gyms and sedentary lifestyle is gaining popularity in the contemporary world. What problems are associated with this and what solutions can you suggest? So this was our questions, and we have already done our introductions. In the introduction, we made two sentences. In the first sentence, we mentioned the paraphrase of the questions, and after that ones, the outlines of the questions, means what we will discuss in the further part of the essay, for example, in B1 and B2. Here we are going to discuss about the body paragraph number 1. सो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शंस को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स बताई थी इस क्वेश्चंस की. जो हमारी प्रॉब्लम्स थी तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. तो ये दो प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेशली इंट्रोडक्शन पे ही बात की है. तो अब हम चलते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 पे. सो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड एसे के अंदर आपका बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 होगा, उसमें आपको टू प्रॉब्लम्स मेंशन करनी पड़ेगी. तो आपको बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में टू प्रॉब्लम्स मेंशन करनी पड़ेंगी. ओके, आपको इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे. और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको स्टेट फर्स्ट प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन. पहले सेंटेंस के अंदर आपको पहली प्रॉब्लम मेंशन करनी पड़ेगी और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. फिर सेकंड सेंटेंस के अंदर इसी फर्स्ट प्रॉब्लम का आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा. तो आपकी एक प्रॉब्लम यहां तक कंप्लीट हो जाएगी. तो उसके बाद आपको सेंटेंस थर्ड के अंदर स्टेट करनी पड़ेगी आपको सेकंड प्रॉब्लम, और सेंटेंस फोर के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद रिजल्ट के साथ. और फिफ्थ सेंटेंस के अंदर आप एग्जांपल देते हुए इसको फिनिश कर सकते हो. चाहे तो आप थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस, जिसमें आपको प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैं बता रहा था कि थर्ड और फोर्थ सेंटेंस आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम और एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी, और जो फोर्थ सेंटेंस बनेगा वो अकेला रिजल्ट का बना सकते हो, और फिफ्थ सेंटेंस के अंदर आप एग्जांपल डाल सकते हो. तो ये सब हमने डिस्कस किया है. तो अब हम अपना बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 लिखने जा रहे हैं. ओके, तो हम बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट प्रॉब्लम और उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉब्लम कौन सी, हमने पहले ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मेंशन की है. तो ओबेसिटी हमारी पहली प्रॉब्लम है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सेंटेंस फर्स्ट के अंदर हम फर्स्ट प्रॉब्लम और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. तो सबसे पहले आपको जो लाइन लिखनी है वो आपकी ये लाइन है, दी फोरमोस्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज ओबेसिटी. तो आपको जैसे मैं मेंशन किया कि द फोरमोस्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज ओबेसिटी. तो आपको जैसे पहले आपने मेंशन किया कि ओबेसिटी और हम दूसरी एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने पहले स्टेट किया है, तो अब आप इसको आगे, आपने अभी प्रॉब्लम मेंशन कर दी है, अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे. तो आप लिखोगे विच इज ड्यू टू द फैक्ट. मतलब अब इसको आप आगे लिखोगे कि वो किसके कारण है, विच इज ड्यू टू दी फैक्ट, विच इज ड्यू टू दी फैक्ट. अब फैक्ट दैट, अब फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, दैट दैट
in present epoch. इन प्रेजेंट इपॉक का मतलब होता है कि आजकल के युग में. ओके, प्रेजेंट अपॉक प्रोलॉन्गेड इन एक्टिविटी ऑफ फिजिक. इसका मतलब हुआ कि ये इस वजह से है क्योंकि आजकल के युग में प्रोलॉन्गड इन एक्टिविटी ऑफ फिजिक, मतलब हमारी बॉडी की जो बहुत लंबे समय तक इन एक्टिविटी रहती है, मतलब हमारी सेडेंटरी जो लाइफ रहती है, मतलब हम कोई भी काम वगैरह नहीं करते हैं या फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये जो हमारी फिजिक इन एक्टिविटी ऑफ फिजिक क्या करती है, हमें लीड्स टू गेन, मतलब क्या हम प्राप्त कर लेते हैं, गेन एक्सेस. एक्सेस होता है ज्यादा. ओके, एक्सेस फैट. एक्सेस फैट मतलब हम जितनी हमारी मतलब एक बैलेंस्ड हेल्थ होनी चाहिए उससे हम ज्यादा फैट ग्रो कर लेते हैं और ये इजिली हो जाता है. ओके, इजिली गेन एक्सेस फैट इजिली एंड बर्न फ्यूअर कैलरीज. तो ये क्या होता है, लीड्स टू गेन एक्सेस फैट, और हमारा जो फैट है वो एक्सेस फैट हो जाता है, वो प्राप्त होता रहता है, तो हमारी जो कैलरीज है वो भी बर्न होना बंद हो जाती है या बहुत ही कम बर्न हो जाती है. तो इस तरह से आपने सेंटेंस फर्स्ट के अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम को मेंशन किया है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी है. एक्सप्लेनेशन यहां से आपने शुरू की है, विच इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन प्रेजेंट इपॉक प्रोलॉन्ग्ड, तो बहुत लंबे समय के लिए या लंबे समय तक इन एक्टिविटी ऑफ फिजिक लीड्स टू गेन एक्सेस फैट. फैट की जगह आप वेट भी लिख सकते हो. इजली एंड बर्न फ्यूअर कैलोरीज. तो ये आपका सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब हम मेंशन करने जा रहे हैं सेकंड सेंटेंस. तो सेंटेंस ओके, सेंटेंस सेकंड के अंदर हम रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारी ऊपर प्रॉब्लम मेंशन है उस प्रॉब्लम के रिजल्ट बताएंगे. रिजल्ट रिजल्ट्स हम सिंगल रिजल्ट मेंशन करेंगे, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम. तो रिजल्ट इसका क्या हुआ, दिस ट्रेंड, मतलब ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड रिजल्ट्स इन inviting the chronic, chronic होता है जो acute बहुत ही गंभीर बीमारियां होती है, तो ये इसका result ये होता है, this trend results in inviting the chronic maladies. maladies की आप disease भी लिख सकते हो, maladies. okay, तो यहां पे हम single malady के बारे में बात करेंगे. तो chronic malady such as diabetes, DIABETES, तो डायबिटीज. तो ये इसका हमने रिजल्ट मेंशन किया है फर्स्ट प्रॉब्लम का. और अब हम मेंशन करने जा रहे हैं थर्ड सेंटेंस. और थर्ड सेंटेंस में हम मेंशन करेंगे स्टेट, कौन सी, सेकंड प्रॉब्लम. ओके, सेकंड प्रॉब्लम मेंशन करनी पड़ेगी आपको जो थर्ड सेंटेंस में मेंशन करोगे. तो आप इसमें लिखोगे, जब आप सेकंड कोई चीज लिखने जा रहे हो तो आप लिखोगे अनदर फैटल डिलेमा. डिलेमा इज मींस डिफिकल्टी या प्रॉब्लम. डिलेमा कंसर्नड विद दिस वे ऑफ लाइफ. ओके, ये बता रहा है कि अनदर फैटल डिलेमा कंसर्न विद दिस वे ऑफ लाइफ, मतलब इस प्रकार की जिंदगी से एक दूसरी प्रॉब्लम भी होती है जो कि हम आगे मेंशन करेंगे. वे ऑफ लाइफ इज क्या है, वो हाई हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज
इस इनको मैं सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मान के चलूंगा, ओके, एज वेल एज एलिवेशन, एलिवेशन होता है बढ़ोतरी इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो ये हमने थर्ड सेंटेंस मेंशन किया है। अब हम इस सेंटेंस के को एक्सप्लेन करेंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो हम अब लिखने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर 4, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन, ओके, एक्सप्लेन और एंड इसका हम रिजल्ट बताएंगे इस सेंटेंस 4 के अंदर, जो सेकंड प्रॉब्लम का को एक्सप्लेन करेगा और रिजल्ट। तो देखो कैसे लिखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ, लॉर्ड्स ऑफ, जो भी आप लिखना चाहते हो, मिलियंस ऑफ पीपल आर विक्टिम्स ऑफ दिस, मतलब दिस मतलब इस प्रकार की मीन्स लाइफस्टाइल से, जिसमें आप हाई ब्लड प्रेशर और एलिवेशन इन दी लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाती है। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर विक्टिम ऑफ दिस, मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम से विक्टिम है, विच जो कि आगे मीन्स करेगी, विच इज ऑब्वियसली, मतलब किसके कारण है, ऑब्वियसली ओविंग टू देयर इनएक्टिव फिजिक, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनके फिजिक की जगह आप इनएक्टिव बॉडी भी लिख सकते हो, मतलब उनके शरीर का जो इनएक्टिव रहना, ओके, फॉर कब के लिए, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ओके, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसके बाद मैं यहां पे एंड दिस भी बोल सकता हूं, लेकिन एंड के लिए मैं यहां पे सेमी कॉलम लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ओके, एंड आप मेरे किसी और वीडियो में इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि सेमी कॉलम किस कहां पे और कैसे लगाएं, ओके, एंड दिस और मे बी सेमी कॉलम, दिस हेड्स टू, हेड्स टू मीन्स लीड्स टू की प्लेस में आप हेड्स टू लिख सकते हो, कॉल कॉजेस टू भी लिख सकते हो, हेड्स टू ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कॉजेस टू ब्लॉक कॉरोनरी, कॉरोनरी इज अ पार्ट इन आवर बॉडी जो ब्लॉक हो जाता है, कॉरोनरी आर्टरी मतलब हमारे जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, और इसका रिजल्ट होता है एंड रिजल्ट्स इन हार्ट, यहां पे मेंशन करूंगा हार्ट अटैक। तो अभी हम फोर सेंटेंस हमने एक बॉडी पैराग्राफ में बना लिए हैं। अब हमारा फिफ्थ सेंटेंस बाकी है, जिसमें हम एग्जांपल मेंशन करेंगे, ओके, तो सेंटेंस फिफ्थ जिसमें हम डालेंगे एग्जाम्पल, ओके, तो अब देखो अब कैसे लिखना है एग्जाम्पल, टेक उसके बाद आप कॉमा यूज करोगे, टेक फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, कोई और तरीका होता है उसको करने का तो आप सीधा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, टेक फॉर एग्जाम्पल of Georgetown University Medical Center in USA
विच अब अपने ये लिखा टेक फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑफ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन यूएसए, जो कि यूएसए में है। वो क्या बताता है, विच रिसेंटली, जिसने अभी अभी रिसेंटली, विच रिसेंटली रिपोर्टेड, जिसने अभी अभी रिपोर्ट किया है, हाल ही के दिनों में रिपोर्टेड किया है, दैट 1.3 मिलियन पीपल आर आस्किंग, इट मीन्स पीपल आर आस्किंग फॉर, सॉरी यहां पे फॉर और मेंशन करोगे, आस्किंग फॉर मतलब इनवाइट कर रहे हैं, ओके। उसने रिपोर्ट किया है दैट 1.3 मिलियन पीपल आर आस्किंग फॉर डिजीज, मतलब डिजीज का को इनवाइट कर रहे हैं या बुलावा दे रहे हैं डिजीज डिजीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर इनएक्टिव वे ऑफ लाइफ। तो ये अप्रोक्सीमेटली 115-120 वर्ड्स का आपने बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 बनाया है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ड्रीम है 7 and 7.5 बैंड कट करना, तो आप इस तरह की स्ट्रक्चर यूज करते हुए बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 बना सकते हो, ओके। सो इसको अब मैं असेंबल करना चाहता हूँ, जिससे ये असेंबल करके आपको मैं शो करता हूँ कि किस तरह से ये आपका पैराग्राफ दिखने में और पढ़ने में इम्प्रेसिव कैसे लगता है। ओके, तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 और ये प्रॉब्लम, जिसमें हमने प्रॉब्लम, ये था प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऐसे था, और इसमें हमने बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में ओनली प्रॉब्लम मेंशन की है, ओके। प्रॉब्लम्स जो कि 2 थे, इसके अंदर हमने 2 प्रॉब्लम मेंशन किए। तो देखो हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर कैसा इंप्रेसिव बना है। द फोरमोस्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज ओबेसिटी, मतलब हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा क्वेश्चन था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी, जो कि विच इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, वो किस वजह से है, ड्यू टू द फैक्ट दैट इन प्रेजेंट इपॉक, मतलब आजकल के युग में प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी ऑफ फिजिक लीड्स टू गेन एक्सेस फैट। जैसे मैंने बताया कि इसका, इसको आप जब एक्सप्लेन करते हो तो आप ये लिखोगे कि ये आगे क्या करता है, और इजली फैट इजली एंड बर्न फ्यू कैलोरीज, ओके। तो इस हमारी लाइफस्टाइल से हमारी जो फैट है वो बढ़ती है, और हमारी जो कैलोरीज का बर्न होना है वो बहुत ही कम हो जाता है। दिस ट्रेंड रिजल्ट्स इन इनवाइटिंग द क्रॉनिक मेलडी सच एज डायबिटीज, तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि आगे हमें डायबिटीज जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जब आप इसकी दूसरी प्रॉब्लम लिख रहे थे तब आप इसको ये मैंशन करोगे अनदर फैटल डिलेमा कंसर्नड विद दिस वे ऑफ लाइफ इज हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो हमारी ये दूसरी प्रॉब्लम थी। अब इसको आप आगे एक्सप्लेन करोगे, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर विक्टिम्स ऑफ दिस विच इज ऑब्वियसली ऑविंग टू देयर इनएक्टिव फिजिक, मतलब उनकी बॉडी कोई काम नहीं करती, मतलब एक जगह पे वो बैठे रहते हैं या मूवमेंट नहीं करते, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो अगर वो बैठे रहते हैं, ओके। उसके बाद सेमी कॉलम, दिस हेड्स टू, मतलब ये जो है ये आगे लीड करता है, हेड्स टू ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी एंड रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल हो, टेक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन यूएसए विच रिसेंटली
reported that almost आप mention करोगे क्योंकि लगभग की बात हो रही है, आप direct 1.3 million नहीं mention करोगे, almost 1.3 million peoples are asking for DGs, मतलब वो DGs को invitation दे रहे हैं on account of their inactive way of life. ओके, उनकी एक इनएक्टिव जो बिना मूवमेंट वाली लाइफ के कारण, मतलब वो एक जगह पे बैठे रहते हैं या उनकी बॉडी कोई भी काम नहीं करती है. तो ये आपको 6.5 और 7 बैंड के अप्रॉक्सिमेटली, इस प्रकार का अगर आप बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली 6.5 और 7 बैंड मिलेंगे. सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो ऐसी ही बनाऊं और अपलोड करूं तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जो ई सॉफ्ट आइल्स कैंप्स के नाम से है इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.